सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को शराब के ठेके खुलते ही लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ आई। इस दौरान लोगों ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और न ही मास्क का इस्तेमाल किया। शाम होते होते दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में शराब पर 70% टैक्स लगा दिया है, जो आज से ही लागू होगा। यह बढ़ोतरी स्पेशल कोरोना फीस के नाम पर की गई है। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने का आदेश वापस नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि सोमवार को शराब के ठेके खुलते ही दिल्ली में कई दुकानों के आगे सैकड़ों की तादाद में लोग शराब खरीदने के लिए इकट्ठा हो गए। कुछ एक स्थानों पर तो पुलिस को बेकाबू भीड़ पर लाठियां भी बरसानी पड़ी। हालात बेकाबू होते देख शराब की कई दुकानें खुलने के थोड़ी देर बाद ही बंद कर दी गई। चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, दरियागंज आदि इलाकों में शराब की दुकानें दिन भर बंद रहीं। दिल्ली सरकार ने कहा कि आइंदा ऐसा होने पर भीड़भाड़ वाली दुकानों और इलाकों को सील किया जाएगा। हालांकि यह भी ऐलान किया कि दिल्ली में फिलहाल शराब की दुकानें बंद नहीं की जा रही हैं। लेकिन इसके लिए लोगों को व्यवस्था बनानी होगी। सबसे आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अब मंगलवार को दिल्ली में शराब की दुकानें फिर से खोली जाएंगी, लेकिन शराब के दाम बढ़े हुए होंगे और जिन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा वहां प्रशासन ऐसी दुकानों को तुरंत बंद करवाने की व्यवस्था करेगा।